नमस्कार, ज्ञान न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अदिति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रेत माफियाओं के ट्रैक्टर से माइनिंग अधिकारी बाल बाल बच रहे हैं। दरअसल मामला भिंड जिले के खेरा ढोंचड़ा के पास गोंदिया बाबा सिंध नदी के स्थान का है, जहां रेत माफियाओं के द्वारा 4 पनडुब्बियों से अवैध रूप से रेत निकालने का कार्य जारी था। जब इस बात की भनक माइनिंग विभाग को लगी तो कार्रवाई हेतु खनिज अधिकारी पीपी भटकारिया पहुंचे तो उनसे रेत माफियाओं के द्वारा चालू ट्रैक्टर छोड़ दिया गया, जॉन की गाड़ी से टकरा गया। आपको बता दें कि इस दुर्घटना में आरती बदरिया बाल बाल बच रही है, तब उन्हें पुलिस प्रशासन को सूचना दी और मौके पर डीएसपी सतीश दुबे, उमरी पुलिस स्टाफ एसओ मिश्रा और नयागांव थाना प्रभारी सुरेश शर्मा जी फोर्स सहित पहुंचे और भिंड जिले में हुई रेत माफियाओं की कार्यवाही में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जहां पुलिस प्रशासन, माइनिंग विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा रेत माफियाओं की पनडुब्बियों की पहली बार नदी से उठाकर जब्त किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि मौके से फरार हुए हैं भिंड जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और माइनिंग विभाग के द्वारा रेत माफियाओं पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। जी सर, रेत माफियाओं पे जो आज पनडुब्बी जब्त की गई है, क्या कार्रवाई होगी उन पर? ये तो शासन की मंशा के अनुसार कार्रवाई चल रही है, शासन की मंशा है। अब एटीएम साहब के नेतृत्व में हम लोग आए थे, माइनिंग अफसर भी साथ में है, फोर्स भी है, तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ये पनडुब्बियाँ जो हैं पकड़ी गई हैं, इनको कार्रवाई करा रहे हैं। जो भी कानूनी तौर पर माइनिंग कार्रवाई करेगा। कितनी पनडुब्बी हैं सर? जी पनडुब्बी कितनी है? अभी तो 2 पनडुब्बी हैं, एक तो निकाल ली है, दूसरी सामने दिख रही है, और देखेंगे बाकी अब आगे और हैं कि नहीं। क्या है कि ये लोग दबा देते हैं, तो चेक करना पड़ेगा। 2 पनडुब्बियाँ तो सामने दिख रही हैं, और भी होंगी अगर, तो और भी जब्त की जाएंगी। जी सर, जो खैरा खदान पर 4 पनडुब्बियाँ बताई जा रही हैं, आपको कैसे भनक लगी और फिर क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? कल शाम को हमको सूचना मिली थी खैरा में कोई पनडुब्बियाँ चल रही है, इलीगल हो रहा है वहाँ पर, तो रेवेन्यू पुलिस लेके हम लोगों ने सुबह छापा डाला यहाँ खैरा में। खैरा की बस्ती से जैसे हम निकल रहे थे तो एक ट्रैक्टर वाले ने सामने ही ट्रैक्टर को और चलाने का प्रयास किया, उसने और कूद गया वो, और ट्रैक्टर जैसे ही हमारे तरफ वो आया तो हमने अपनी गाड़ी बैक की, लेकिन फिर उसके बाद भी गाड़ी टकरा गई हमारी गाड़ी से, और वो बैक होके एक बगल में बारी बनी हुई थी उसमें चल। आप बाल बाल बचे थे उस हमले से? हाँ, तो कुछ भी हो सकता था। कितनी पनडुब्बियाँ पाई गई? अभी 2 पनडुब्बियाँ हमारे कब्जे में हैं और आगे पीछे दिख रही हैं पनडुब्बियाँ, ये उठा लें तो फिर उनको भी देखें कि कहाँ हैं। इनको पहली बार जब्त किया जा रहा है? हाँ, पहली बार जब्ती की कार्रवाई होगी। हाँ, जब्ती की कार्रवाई होगी, और 3 ट्रैक्टर हैं तो तीनों को थाने खड़ा कर दिया। ठीक है, ओके।